मेरा नाम होशियार सिंह है और मेरे जो दोस्त है वो मुझे माइकल होशियार सिंह के नाम से बुलाते हैं। मैं पार्कोर आर्टिस्ट हूँ। पार्कोर आर्टिस्ट ये है कि जैसे आप किसी भी बॉडी के मूवमेंट से सम ऑब्स्टेकल का यूज करके इधर से उधर जंप करना, ये पार्कोर काम है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं पार्कोर को पूरे भारत में अच्छी तरीके से फैला सकूं और इस शो का नाम ही जैसे इंडिया के टैलेंट को दिखाना, इससे अच्छा मंच मुझे नहीं मिल सकता। आपका नाम क्या है? माइकल होशियार सिंह। माइकल होशियार सिंह, बाप रे, ये क्या एंट्री आपने मारी। पहली बार मैं देख रही हूँ किसी ने ऐसी एंट्री मारी इस मंच पर। मैं ये तो डेमो था। ये डेमो थी। अच्छा, ये बात है। क्या करते हो आप? मैं एक्चुअली पार्कोर करता हूँ। ओके, आई थॉट सो। ये बहुत ही मुश्किल है ना ये सब, मतलब दीवार पे चढ़ना, या बिल्कुल आप स्पाइडरमैन लग रहे थे। मुश्किल है पर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। वो भी सही है। और क्या करने वाले आप? मैम, ऐसा है कि मैं स्टेज पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए आउटडोर करना पड़ता मेरे को। हाँ। तो मैं अपनी एक वीडियो लेके आया हूँ जो मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, दिखाइए। माइकल होशियार सिंह, वाह भाई, बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो आपने शूट किया आपका, बहुत मजा आया। थैंक यू मैम। पार्कोर स्पेशल काइंड ऑफ मार्शल आर्ट है, तो मैं जानता हूँ बहुत सारी ट्रेनिंग, फिटनेस की ट्रेनिंग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस फॉर पार्कोर। ये जो आपने हमारे स्टेज पे किया इसमें ज्यादा लगा मुझे, और आपको सांस भी चढ़ गया करके, क्योंकि आपने बहुत इंटेंस, वेरी गुड इट वॉज। थैंक यू। मेरी दिल की बात मैं सुन लूँ तो मैं कहूँगी, माइकल होशियार सिंह जी, मेरे तरफ से हाँ। थैंक यू मैम। मेरी दादी कहती हैं, जो बाल बाल बचता है उससे बच के रहना। दादी जी को मेरा प्रणाम यार, बट मनीष ये बात मुझे समझ नहीं आई, मतलब ना समझ साइरस यार, बात बड़ी सिंपल है। देखो क्या है ना, जो हारते हारते जीतता है वो एक दिन बहुत बड़ी जीत हासिल करता है। माइकल होशियार सिंह ऑडिशन से आउट होते होते बच गए, और आज जीत किसे डबल है बंदे को कोई रोक ही नहीं सकता भाई। सही बात है मेरे भाई। आ रहे हैं हमारे लोकल जैकी चैन, माइकल होशियार सिंह फ्रॉम दिल्ली विद हिज फ्री रनिंग एक्ट, हिट मी बेबी।
कहां चढ़ गए हैं आप सर. वेरी नाइस. वैसे फरा आप क्या कहेंगी, यू नो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतना सारा सब कुछ कवर करते हुए इन्होंने एक्ट किया. व्हाट डू यू हैव टू से? हमारे तो चलने के भी वांदे हैं इस स्टेज पर. माइकल, यू नो पार्कोर इज ओपन स्पेस में किया जाता है, मतलब रस्ते पे या ट्रीज को पकड़ के विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेस स्टेप्स तो बिल्डिंग्स में, बट ये कन्फाइंड स्पेस में करना कितना मुश्किल होगा. और आपने रियली यू डिड एवरीथिंग प्रॉपरली, और जो लास्ट में जो तुमने इतनी ऊंचाई पे चल कर उसको पकड़ा है, आई थिंक दैट फॉर मी वॉज अ हाईलाइट. थैंक यू मैम. अगर तुम आगे बढ़ते हो माइकल, आई वुड ओनली वॉन्ट कि तुम अपनी जो प्रेजेंटेशन है ना उस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो. आप बहुत दुखी थोड़े लग रहे थे ये करते हुए. प्लीज़ अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन भी थोड़ा एक्शन हीरो वाला कर लेना, बिकॉज यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब अदरवाइज. थैंक यू. दैट्स ऑल. थैंक यू. ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी तुमने जहाँ तुम चढ़ नहीं गए और जहाँ से तुमने गुलाटियाँ नहीं मारी. मेरी तो सांस अटक गई थी जब तुम वहाँ से तुमने उल्टी कलाबाजी खाई. बहुत अच्छा किया, बहुत कंट्रोल है आपका अपनी बॉडी पे. वेरी वेल डन. थैंक यू मैम. वेल करण सर, आपने माइकल को कहा था ना और आज माइकल ने यहाँ पे एक्ट किया है, सो व्हाट डू यू हैव टू से? माइकल ने आज कमाल की हुनर अपनी दिखाई. बहुत अच्छा किया माइकल, फैंटास्टिक. लेकिन मैं जानता हूँ कि माइकल को मौका दिया जाए तो इससे भी 10 गुना और कर पाएंगे वो इन हिज ओन एनवायरनमेंट. फिर भी आज मुझे अच्छा लगा कि आपकी एनर्जी, आपकी स्टेमिना, आपकी बॉडी कंट्रोल कमाल की है. थैंक यू सर. वैसे लोग उच्च कोटि के कलाकार होते हैं, तुम उच्च चोटी के कलाकार हो. वाह कमाल.